जानेंगे टाटा मोटर्स शेयर को लेकर। साथ ही साथ टाटा मोटर्स में भी एक टिक आया है, 900 रुपए काफी क्रूशियल लेवल है टाटा मोटर्स के लिए। और इसमें आप देखें तो उन्हीं स्तरों से थोड़ा सा सपोर्ट लेते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा है। एक बार सुमित आपसे समझना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप टाटा मोटर्स को चार्ट पे? देखिए काफी एक इम्पोर्टेंट लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है स्टॉक ने। बार बार यहाँ पे 900 का सपोर्ट लिया था। आप अगर देखेंगे तो पिछली बार 4 जून को भी क्लोजिंग का ट्राई किया था, लेकिन वहीं से स्टॉक ने काफी अच्छा एक बाउंस किया हुआ है। तो माइट भी ये सपोर्ट यहाँ पे काम कर सकता है, लेकिन सेम वे ये एक इम्पोर्टेंट आपका स्टॉप लॉस भी रहेगा। तो अगर डे क्लोजिंग बेसिस पे 900 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग कर रहा है तो फिर एग्जिट कीजिए। एग्रेसिव प्लेयर एक यहाँ पे पोजिशन बना सकते हैं, लेकिन एक छोटे से स्विंग मूव के लिए। तो करंट मार्केट प्राइस है 902, स्टॉप लॉस बफरिंग के साथ रखेंगे 895 का फॉर द टारगेट ऑफ 930 यहाँ पे। छोटे स्टॉप लॉस के साथ अगर आपको इस बाउंस बैक में प्ले करना है तो आप कर जरूर सकते हैं, बट खास तौर से स्टॉप लॉस का ध्यान रखें, क्योंकि देखिए कुछ एक चीजें जरूर हैं जहां पे पैसेंजर व्हीकल या फिर अब तो टू व्हीलर्स की भी इन्वेंट्रीज को लेकर काफी कंसर्न है। पर साथ ही साथ अगर हम फाडा जैसी ऑर्गेनाइजेशन से बात करें तो उनको फेस्टिव मांग को लेकर जो आउटलुक है वो काफी पॉजिटिव है। तो दोनों ही साइड की जो न्यूज है वो हावी होती हुई दिख सकती है। ऑटो काउंटर्स हाल फिलहाल कमजोर है, पर इस बाउंस बैक में अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको खास तौर से स्टॉप लॉस का ध्यान रखना चाहिए।